जी, तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमने अपने अकाउंट को MT5 से जो है वो कनेक्ट करना है। MT5 से कनेक्ट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले तो आपने अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। आने के बाद सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने MT5 जो है वो सर्च कर लेना। जैसे सर्च करेंगे MetaTrader 5 जो है Forex, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको जो USDT शो हो रहे हैं ना, ये आपके डेमो अकाउंट के हैं, ठीक है ना। ये USDT आपके डेमो अकाउंट के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 10,000 जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं USDT, लेकिन ये एक आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। किस तरह से करना है, अब आपने वापस अपनी मेन वेबसाइट पर जाना है जो कि हमने यहाँ पे ज्वाइन की थी। जी, तो हम लोग जो है अपनी मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपने सबसे पहले ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, इन पे आपने क्लिक करना है। ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पे आपने इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये ओपन होता है, मैं आप दोस्तों को नेक्स्ट इसका बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आने के बाद ये विड्रॉ का ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने ये 3 डॉट्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आप दोस्तों के सामने आ रहा है फॉरगेट अ पासवर्ड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा मास्टर पासवर्ड का, आपने सबमिट रिक्वेस्ट मास्टर पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मेल बॉक्स में एक रिक्वेस्ट चली जाएगी जो कि पासवर्ड आपको मिलेगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अभी आप दोस्तों के सामने ये देखें, रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। तो अब हम अपने मेल में जाके चेक करते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास मास्टर पासवर्ड जो है वो आ चुका है। ये आप दोस्तों का मास्टर पासवर्ड होगा, ये आपका MT में जो के लगेगा, और यहाँ पे ये आपका होगा अकाउंट नंबर। अगर आप यहाँ पे ये वाला मास्टर पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको यहाँ से कॉपी करें। अभी मैं आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमने अपना पासवर्ड जो है, जो सीक्रेट पासवर्ड होगा जो हमारे पास होगा, वो हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। किस तरह से करना है, अब हम वापस चलेंगे अपने जो है मेन साइट पे, ठीक है। वहाँ पे हम चलते हैं मेन साइट। अब यहाँ पे आने के बाद, मेन साइट पे आने के बाद सिंपल हमने वही 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो हमने पासवर्ड जो लिया था ना वहाँ से, वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। ये अभी आप दोस्तों के सामने मैं जो है ऐड किया, ये पेस्ट मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अच्छा पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें, आप कोई सा भी पासवर्ड, वो हमने पासवर्ड देखें यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड जो है, जैसे यहाँ पे एक साथ यहाँ पे कोई BXSZ जो है, इसके बाद यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एक सैम्बल भी लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने एक जो है वर्ड वो आपने बिग लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको कर देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मास्टर 8 कैटेगरीज का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 8 लफ्ज़ जो है वो चुन लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। करने के बाद हम यहाँ पे जो है एक